हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो अवर अभियंता और कनिष्ठ अभियंता की भर्ती को लेकर जो छोटा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद अवर अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अवर अभियंता के एग्जाम के बारे में। तो ये जो आपके सामने एग्जाम कैलेंडर है, ये एक अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर है। 5 मई को जो आयोग के द्वारा एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया गया था, उसमें सीरियल नंबर 20 पर आप देख सकते हैं अवर अभियंता की भर्ती को यहाँ पर ऐड किया गया है। यानी कि 13 अगस्त को जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो अवर अभियंता का एग्जाम होगा, न कि कनिष्ठ अभियंता का। सबसे पहले हम अवर अभियंता के बारे में बात करेंगे, उसके बाद कनिष्ठ अभियंता के बारे में बात करेंगे। देखिए, सीरियल नंबर 20 पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, विभिन्न विभाग निकाय सम्मिलित अवर अभियंता जई सिविल विद्युत यांत्रिक परीक्षा 2023 13 अगस्त को कंडक्ट कराई जाएगी। अब यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं जिस पर लगातार एक डाउट बना हुआ है और लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, पुनर्विज्ञापन किया जाना प्रस्तावित संशोधित अध्याचन शासन से अपेक्षित। तो कई कैंडिडेट का कोई लग रहा था कि पुनर्विज्ञापन किया जाना प्रस्तावित है, तो इसका अर्थ ये होगा कि जो कनिष्ठ अभियंता है और जो अवर अभियंता है, क्या दोनों का एग्जाम एक ही साथ कंडक्ट करा जाएगा या अलग अलग होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि पुनर्विज्ञापन का मतलब क्या है। पुनर्विज्ञापन किया जाना प्रस्तावित का मतलब क्या है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो ये वैकेंसी थी, अवर अभियंता की जो वैकेंसी थी, ये इससे पहले UK SSC के पास थी। तो UK SSC ने अपनी नियमावली के हिसाब से इसकी नोटिफिकेशन को प्रिपेयर किया था और हम सभी ने इसके एग्जाम को, यानी कि इसके फॉर्म भी फिल किए थे। करप्शन के चलते ये वैकेंसी UK PSC को ट्रांसफर कर दी गई थी। और UK SSC में जो एग्जाम पैटर्न था, सिलेक्शन प्रोसेस थी, वो बिल्कुल अलग थी। वहीं UK PSC में जेई को लेकर एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल अलग है। अगर UK SSC में जेई की सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जामिनेशन प्रोसेस को देखा जाए अवर अभियंता की, तो अवर अभियंता में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 100 क्वेश्चन आने थे जो 100 मार्क्स के थे, और उसी पे कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था। कोई इंटरव्यू नहीं था, कुछ नहीं था, बस 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के, और उसी पे आपका मेरिट का प्रिपरेशन करके कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाना था। वहीं आप सभी जानते हैं कि UK PSC में जब जेई का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसमें 4 एग्जाम हुए थे, जिसमें एक हिंदी का था, एक इंग्लिश का था, 2 टेक्निकल एग्जाम थे और एक इंटरव्यू था। यानी कि टोटल मार्क्स आपके 1020 थे। 1020 मार्क्स के बाद आपकी मेरिट को प्रिपेयर किया जाना था, जिस पर आपका सिलेक्शन होना था। अब आप देखिए कि कितना बड़ा डिफरेंस है चीज़ को लेकर। अब जब ये वैकेंसी UK SSC से UK PSC के पास आई, तो UK PSC अपने हिसाब से इसकी नियमावली तैयार करेगा, अपने हिसाब से एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस को नोटिफिकेशन में बताया जाएगा किस प्रकार से इसका हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे और क्या इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगी। तो वही पुनर्विज्ञापन इसका क्या है, प्रस्तावित है। वही पुनर्विज्ञापन की बात चल रही है, क्योंकि UK SSC नोटिफिकेशन अलग तरीके से प्रिपेयर करता है अपनी नियमावली के हिसाब से, और UK PSC अपनी नोटिफिकेशन अलग तरीके से प्रिपेयर करता है अपनी नियमावली के हिसाब से। तो अवर अभियंता और कनिष्ठ अभियंता में भी डिफरेंस है, इनकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। तो जो UK PSC में जब ये वैकेंसी अब आई है, UK PSC को जब ये मिली है, तो UK PSC अपने हिसाब से इसकी अपनी नियमावली के हिसाब से इसकी नोटिफिकेशन को प्रिपेयर करेगा, वही पुनर्विज्ञापन की बात है। और तब जाके कहीं इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस और किस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न आएगा और क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन को प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये तो थी अवर अभियंता के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता के बारे में। देखिए, जो कनिष्ठ अभियंता का एग्जाम है, अभी कनिष्ठ अभियंता के एग्जाम के बारे में आयोग की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी की गई है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एक नोटिस आयोग ने जारी किया था, एक भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी, जिसमें जो UK PSC की नोटिफिकेशन के बारे में थी, भ्रामक और कूट रचित एक विज्ञप्ति प्रिपेयर की गई, जिसमें कुछ कैंडिडेट को भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि UK PSC ने जेई की वैकेंसी को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है। लेकिन ये वैकेंसी निरस्त नहीं हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इस पर काम चल रहा है। तो UK PSC की तरफ से जब भी जेई यानी कनिष्ठ अभियंता के बारे में कोई भी जानकारी ऑफिशियली वेबसाइट पर दी जाएगी, अलग से कोई भी स्टेटमेंट आ जाएगा, वही आपका ट्रस्टेड स्टेटमेंट होगा, वही आपका ट्रस्टेड जानकारी होगी। तो UK PSC ने अभी तक जेई के लिए कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया और ना ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी नोटिस जारी किया गया है। हालांकि ये एक पॉसिबिलिटीज देगी, कनिष्ठ अभियंता की जो भर्ती है उसका जो नया नोटिफिकेशन है वो मई के एंड वीक तक या जून के फर्स्ट वीक तक हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी को लेकर, आयोग या तो अलग से नोटिफिकेशन जारी कर सकता है कि इस दिन इसका एग्जाम होगा और इस दिन इसका नोटिफिकेशन आएगा, या जिस प्रकार से आयोग ने जो पहला एग्जाम कैलेंडर जारी किया था उसमें अवर अभियंता की भर्ती को भी ऐड नहीं किया गया था,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुराना एग्जाम कैलेंडर है, तो सीरियल नंबर 20 पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभिन्न विभाग अन्वेषक कम संगणक सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2030। तो यहाँ पर अवर इवेंता की भर्ती को भी ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 5 मई को इस एग्जाम कैलेंडर को अपडेट कर दिया गया था, और अपडेट करने के बाद सीरियल नंबर 20 पर इन्होंने फिर से सम्मिलित अवर अभियंता की भर्ती यानी कि उसके एग्जाम को कब कंडक्ट करा जाएगा उसको यहाँ पर ऐड किया गया था, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई थी एग्जाम कैलेंडर में। तो हो सकता है कि UKPSC जो है अलग से इसकी नोटिफिकेशन जारी करे, एक नोटिस जारी करेगी इस दिन इसका एग्जाम होगा और इस दिन इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और फिर से एग्जाम कैलेंडर को अपडेट किया जाए, अपडेट होने के बाद इस भर्ती को एग्जाम कैलेंडर में ऐड किया जा सकता है, जिस प्रकार से अवर इवेंता की भर्ती को ऐड किया गया है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी, और आप थोड़ा वेट कर कीजिए, जल्दी आपको इसका कनिष्ठ अभियंता का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, उसकी जानकारी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।